हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह आयोजन हुए हैं अक्टूबर माह में, उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट वन है और पार्ट टू अक्टूबर के लास्ट में आएगा। इसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं सम्मेलन समारोह आयोजन से, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो की तरह आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में सिंगल शॉर्ट रिविजन के तौर पर काम कर सकता है। प्रमुख सम्मेलन समारोह आयोजन इन शॉर्ट अक्टूबर पार्ट वन, 1 से 15 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदु इससे सम्मिलित है। अब करंट अफेयर का बोझ नहीं, ठीक है, हम बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024। तो यहां पे हम आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन जो किया गया था, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। तो 30 सितंबर 2024 को मुंबई में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो इसका विषय देख लेते हैं। विषय था आयुष में वैश्विक तालमेल, ठीक है, आयुष जो है आयुष में वैश्विक तालमेल इसका विषय था। आगे बात करें तो आयुष में वैश्विक तालमेल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन, ये इसका मुख्य विषय था जिसके आधार पर इसका आयोजन किया गया था। कहां पे आयोजन हुआ था? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। कब? 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा अगला सम्मेलन महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, ठीक है। कहां पे इसका आयोजन जो हुआ था? अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। इसे अबू धाबी में लॉन्च किया गया और इस फोरम का जो थीम था, थीम क्या था? एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, इसका थीम था, ठीक है। तो थीम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का थीम क्या था। तो थीम था एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन जो हुआ था 2 से 3 अक्टूबर के मध्य, ठीक है, 2 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका आयोजन कहां पे? दुबई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो दुबई में किया गया था, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। तो इस ग्लोबल समिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की, महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस जो सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था, उसमें शिरकत की थी। आगे देखते हैं, इसे 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजपिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसके द्वारा आयोजित किया गया। और ये कहां पे हुआ था? तो राजस्थान के माउंट आबू में इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी का आयोजन कहां पे किया गया, ठीक है, ब्रह्म कुमारी के द्वारा। तो इसका आयोजन माउंट आबू राजस्थान में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें हिस्सा लिया था। आगे बात करें तो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण, ठीक है, जो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण है, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहां पे इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। इसमें प्रधानमंत्री ने प्रतिभाग किया, मतलब भाग लिया इसमें। आगे बात करें तो इसे वित्त मंत्रालय और आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखना, वित्त मंत्रालय और आर्थिक विकास संस्थान के द्वारा मिलकर कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। ताज पैलेस होटल न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कब इसका आयोजन किया गया था? तो अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला जो आयोजन है वो किसका है? तो इंडियन एयर फोर्स के विमानों का एयर शो, ये आयोजित किया गया था। कहां पे इसका आयोजन हुआ था? तो देखते हैं, इस एयर शो में करीब 72 विमानों ने हिस्सा लिया। जो एयर शो हुआ था इसमें करीब 72 विमानों ने हिस्सा लिया और 92वें वायुसेना दिवस समारोह में इसका आयोजन लाइट हाउस और चेन्नई पोर्ट के मध्य मरीन में किया गया था, ठीक है। तो तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। कहां पे? तमिलनाडु में, जो 92वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा था उसी के अवसर पर जो एयर शो था इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लाइट हाउस और चेन्नई पोर्ट के मध्य मरीन पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और यहां पे लगभग 72 विमानों ने हिस्सा लिया था।
आगे बात करें, हमारा नेक्स्ट आयोजन कौन सा है? द एक्सेस एबिलिटीज एक्सपो 2024। इसके बारे में बात करें तो 7 से 9 अक्टूबर 2024 के मध्य इसका आयोजन अबू दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया था। ठीक है, जो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। नाम क्या है? द एक्सेस एबिलिटीज एक्सपो 2024। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि द एक्सेस एबिलिटीज एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, तो दुबई के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक, वहां पे इसका आयोजन किया गया था 7 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच में। भारत इस एक्सपो में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भाग ले रहा है। ठीक है, जो एक्सपो हुआ था उसमें भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भाग लिया जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल जो है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इस बार इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया था और 3 दिनों के इस उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के मैहर में किया गया। ठीक है, कहां पे किया गया था? तो उस जो उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल है इसके 50वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के मैहर में किया गया था। ठीक है, इसे 8 से 10 अक्टूबर के मध्य संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक और आर्ट एकेडमी और मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, 7 से 10 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के मैहर में। 50वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु कौन सा है, अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग बैठक। जो भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग बैठक है वो हमारा नेक्स्ट बिंदु है। इस पे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। नई दिल्ली में 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारत के विदेश मंत्री, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको आप शॉर्ट में एस जयशंकर बोलते हैं, और अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंदिनो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ठीक है, तो अर्जेंटीना की विदेश मंत्री क्या है, कौन है? डायना मोंदिनो। ठीक है, ये अर्जेंटीना की विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अभी एससीओ के समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें, हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला बिंदु, दूसरा लाइट हाउस फेस्टिवल जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का आयोजन ओडिशा के पुरी में, ठीक, 19 से 20 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। 19 से 20 अक्टूबर के मध्य ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है जो लाइट हाउस फेस्टिवल है उसका आयोजन? तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे हम बात करें तो पहले भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 के मध्य गोवा में, गोवा पोर्ट अगुआदा में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो गोवा का पोर्ट है अगुआदा, वहां पे पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और इस बार कहां पे किया जा रहा है? तो इस बार जो उड़ीसा का पुरी है वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 19 से 20 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन होगा। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, अंतर संसदीय संघ की 149वां सम्मेलन है अंतर संसदीय संघ जो है। ठीक है, इसका 149वां सम्मेलन है। आगे बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में 13 से 17 अक्टूबर तक यह आयोजित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल किसके नेतृत्व में हिस्सा ले रहा है? तो जो ओम बिरला है उनकी अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहा है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है कि अंतर संसदीय संघ जो है इसमें 180 देशों का संगठन है। जो अंतर संसदीय संगठन है जिसको आप शॉर्ट में आईपीयू कहते हैं, वो उसमें टोटल कितने कंट्रीज शामिल है? 180 देश शामिल है। कितने? 180 देश शामिल है। ठीक है, आगे हम बात करें प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सदस्यों के मध्य लोकतांत्रिक शासन और सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सदस्य, जो सदस्य देश है 180 देशों के बीच में, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन और सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगर हम बात करें आईपीयू की, तो आईपीयू का मुख्यालय कहां पे है? तो आईपीयू का मुख्यालय जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। कहां पे? जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय अवस्थित है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम अटेंड्स
आसियान समिट, ठीक है, लाओ पेडोर में इसका आयोजन किया गया था। आसियान समिट जो इस बार का हुआ 2024 का, वो लाओ पेडोर में इसको आयोजित किया गया था। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम मोदी ने 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, ठीक है, 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता लाओ पेडोर, ठीक, लाओस में की जा रही है। लाओ जो इस बार का जो आसियान समिट हो रहा है उसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है, तो लाओ पेडोर लाओस के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें तो आसियान नेताओं के साथ बैठक में आसियान भारत प्लान ऑफ एक्शन 2026 से 2030 पर सहमति बनी है, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बात करें तो मजबूत पार्टनरशिप के लिए दो साझा बयान जारी किए गए हैं। पहला ज्वाइंट स्टेटमेंट आसियान भारत कंप्रिहेंसिव रणनीतिक पार्टनरशिप को लेकर, दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, और भारत आसियान भारत कॉम्प्रिहेंसिव रणनीतिक पार्टनरशिप को लेकर, ये दो बयान जारी किए गए साझा बयान जो आसियान समिट हुआ उसके दौरान। आगे हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों को जान लेते हैं, तो वर्ष 2025 को भारत आसियान टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो 2025 का वर्ष है वो भारत आसियान टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष को भारत आसियान टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया, वर्ष 2026, वर्ष 2024, 2025, 2027। तो याद रखना जो 2025 का साल है, 2025 के साल को, ठीक है, भारत आसियान टूरिज्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आगे हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने वियंटियन के रॉयल थिएटर ऑफ लुआंग प्रबांग के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत फ्रालक प्राराम यानी कि जो रामायण का एक प्रारूप है फ्रालक प्राराम, उसकी प्रस्तुति देखी थी, ठीक है, कहां पे देखी थी, तो ये जो वियंटियन का रॉयल थिएटर लुआंग प्रबांग में कलाकारों के द्वारा जो फ्रालक प्राराम है उसकी प्रस्तुति देखी थी। ये फ्रालक प्राराम क्या है, ये रामायण का एक प्रारूप है, ठीक है। आगे हम बात करें तो आसियान भारत के मध्य रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए 10 सूत्रीय सुझाव दिए गए हैं। भारत और आसियान के मध्य जो रिश्ते हैं उनको प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए 10 सूत्रीय सुझाव दिए गए हैं। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की, ठीक है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि किससे किससे मुलाकात की, तो जो आसियान समिट हुआ आसियान समिट से इतर जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की पीएम मोदी ने। आगे देखें भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि पहला संस्करण जब भी होता है तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां आप स्टार लगा के रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में आयोजित किया गया, कहां पे आयोजित किया गया, तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहां पे आयोजित किया गया, तो तेलंगाना में आयोजित किया गया था, ठीक है, तेलंगाना के सिकंदराबाद में जो राष्ट्रपति निलयम है वहां पे इसका आयोजन किया गया। 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति निलयम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया, ठीक है, किसके सहयोग से, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है और संस्कृति मंत्रालय है उसके सहयोग से भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पे हुआ था, तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट देखें 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है इसका आयोजन कहां पे हुआ इसके बारे में जान लेते हैं, तो केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से इसका आयोजन किया गया 27 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में इसका आयोजन किया गया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, इस वजह से स्टार लगा के रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ था ये कहां पे हुआ था, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में लखनऊ में जो बलरामपुर गार्डन है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इस वर्ष इसे काकोरी एक्शन के थीम पर आयोजित किया गया था, ठीक है, किस थीम पर, काकोरी एक्शन के थीम पर इसका आयोजन किया गया था इस बार, ठीक है, केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक की ओर से इसका आयोजन हुआ था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, इस वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं आम सभा, जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी 7वीं आम सभा का आयोजन किया गया। इसके बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमारी परीक्षा उपयोगी, आम सभा का आयोजन 3 से 6 नवंबर के मध्य नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा इसका आयोजन, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन कब से 3 से 6 नवंबर के बीच में किया जाएगा, ठीक है।
इसका शुभारंभ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष व केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रहलाद जोशी जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष है और ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी है। ठीक है, और जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 2016 में जो फ्रांसवा ओलांद है और नरेंद्र मोदी उनके मध्य जो वार्ता हुई थी, उसी वार्ता जो कॉप पेरिस में कॉप का आयोजन किया गया था, उसी के दौरान एक सोलर अलायंस के गठन की बात की गई थी। ठीक है, तो उसी के द्वारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका गठन किया गया और उसका मुख्यालय कहां पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में उसका मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रहलाद जोशी उसके अध्यक्ष है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन जो किया गया था वो 2015 में पेरिस सम्मेलन में किया गया था। 2015 में जो कॉप आयोजित किया गया था पेरिस में, वहीं पर इसका गठन किया गया था। आगे बात करें पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन, ठीक है, तो दो दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है, एग्जाम में ऑप्शन दे दे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। ठीक है, तो याद रखना कहां पे, इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेंगे। चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल साथ साथ में एस जयशंकर जी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिए हैं। एससीओ शासनाध्यक्षों के बीच बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। ठीक है, एससीओ की जो अध्यक्षता है वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ उनके द्वारा की जा रही है। वर्तमान में बात करें तो एससीओ में टोटल 10 सदस्य हैं। ठीक है, पहले 9 सदस्य थे, लेकिन बेलारूस जो है बेलारूस नवीनतम सदस्य बना है, 10वां सदस्य बना है एससीओ का। आगे बात करें वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन असेंबली इसके बारे में जान लेते हैं। इस असेंबली का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह पहली बार है जब इंडो पैसिफिक में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली 2024 का आयोजन हो रहा है। पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, इस वजह से यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पहली बार है कि इंडो पैसिफिक में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली का आयोजन किया जा रहा है। इस असेंबली में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेली एक्सपर्ट शामिल होंगे। इसी के अंतर्गत इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस में 400 से अधिक एग्जीबिटर्स, 900 से अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका थीम क्या है, इवेंट थीम क्या है, द फ्यूचर इज नाउ। ठीक, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम है द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, आगे बात करें भारत के नृत्य पर पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल, भारत के नृत्य पर पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल इसके बारे में जान लेते हैं। तो संगीत नाट एकेडमी द्वारा 5 दिनों के इस अंतरराष्ट्रीय उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। वहीं अब देखें तो 16 से 21 अक्टूबर तक हो रहे इस उत्सव में भारत समेत 60 देशों के कलाकार शामिल होंगे। ठीक है, आगे बात करें इसका उद्घाटन भारत सरकार के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। संगीत नाट एकेडमी की चेयरपर्सन अगर जो बात करें कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर सुधा पुरेचा जो है वो वर्तमान में संगीत नाट एकेडमी है उसकी अध्यक्ष है। ठीक है, तो यहां पे हमने बात कर लिया भारत के नृत्य पर पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल, इसका आयोजन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है। ठीक है, मतलब जो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और 16 से 21 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित होगा। ICDRA का 19वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक, इसका जो उद्घाटन किया तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जिसको आप जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं, जेपी नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत में पहली बार इस सम्मेलन को 14 से 18 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है, तो भारत में पहली बार यह आयोजित हो रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ICDRA। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर 19वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि भारत में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। किसके किसके सहयोग से, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से, साथ ही साथ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यहीं पर अगर हम देखें ICDRA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है। अब हमने सारे स्लाइड पे चर्चा कर ली, जितने भी महत्वपूर्ण अक्टूबर माह के प्रमुख सम्मेलन आयोजन, ठीक, होने थे, जो आयोजित किए गए अभी तक और जो भविष्य में आयोजित होने वाले हैं उन पे सब पे हमने चर्चा कर ली है। ये हमारा पार्ट वन था और पार्ट वन पे कुछ
क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर बताइएगा कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया। ठीक है, आयुष मेडिकल, एक सेकंड, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया, अहमदाबाद, लखनऊ, दुबई या मुंबई। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहां पे किया गया, जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम है इसका आयोजन कहां पे किया गया था, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी या ऑप्शन दूसरा है इंग्लैंड, ऑप्शन तीसरा है अबू धाबी और ऑप्शन चौथा है दुबई। ठीक है, तो इन चारों में कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये जो नया इनिशिएटिव है इस नए इनिशिएटिव से जुड़े रहिएगा। क्यों? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, बुक्स हो, सम्मेलन हो, ऐप, पोर्टल, आयोजन, अवार्ड्स, जितने भी वीडियो आने हैं, सारे वीडियो ऐसे ही दो पार्ट्स में आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए पिन पॉइंट, ताकि लास्ट टाइम आपको जो करंट अफेयर का आपके जो बोझ रहता है कि कैसे तैयार होगा, उन चीजों को तैयार करने में आसानी होगी। साथ साथ में ये छोटे छोटे वीडियो आप देखते जाएंगे तो वीडियो आपको आसानी से चीजें समझने में भी आसानी होगी और लास्ट टाइम रिवीजन में भी आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।